देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। दाई माँ, माँ जी को इतना मत घुमाइए, वो थक जाएंगी। उन्हें उनके कमरे में ले जाइए और आराम करवा दीजिए। जी भाई साहब। लाडो, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सजावट किए तूने, क्या हुआ? भाई साहब, सारी तैयारी हो चुकी है नामकरण की। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बच्ची को भी यहाँ होना चाहिए। इस बात का इंतजाम भी सोच रखा है मैंने। कैसा इंतजाम? शिवा? हाँ। वो ये कौन खड़ा है बच्चे को लेकर? इनका नाम है रामचरण, रसोईया महाराज है। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारियां यही देखेंगे हमारे साथ। और ये बच्चा, बच्चा किसका है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ पूछा मैंने? गूंगे हैं ना बेचारे। सॉरी सॉरी। ये बच्चा ना बच्ची है इनकी अपनी। उसकी माँ? माँ कहाँ है? काश मैं आपको बता पाता, ये बच्ची आप ही की है कनक जी। इसकी माँ बीमार है, अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका, तब तक ये बेचारा इसको खुद ही संभालता है, खुद ही देखता है। इतनी छोटी सी बच्ची बेचारी बिना माँ के, इतना मुश्किल होता है ना माँ और बच्चे का एक दूसरे से दूर रहना। जिंदगी कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देती है कड़ंग जी, इंसान मजबूर हो जाता है। खैर देखो, बच्ची कितनी प्यारी है, देखो। आपका मन नहीं कर रहा गोद में लेने का? एक बार लो ना। मैं कैसे किसी की बच्चे को गोद में लूं शिवा? और वैसे भी मुझे हमारे बेटे को रेडी करने जाना है नामकरण के लिए, भूल के आ गई मैं। मृत्योर मुक्ति अमामृतात। अब आप बालक को बुआ की गोद में दे दीजिए। बुआ साहब, ये लो, अब आप हमारा नाम रखो। के नाम रखा है? इस बच्चे का नाम है सम्राट। ये नाम तो मैंने और रसाल ने अपने बच्चे के लिए सोचा था। आपने कैसा लगा नाम ये? बहुत सुंदर, और जचेगा भी मेरे बच्चे पे। साल, तुमने बच्चे को वो नाम क्यों दिया जो हमने अपने बच्चे के लिए सोचा था? सम्राट भी तो हमारा बच्चा। मेरा मतलब है, इस घर का बच्चा हमारा बच्चा एक ही बात पर है ना? नहीं रसाल, नहीं, मैं इस बात के लिए ना खुद को कभी ना समझा पाऊंगा। अच्छा तो यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। चलो तो एक बार ही वो कनक भाभी के बच्चे से मिल लेती हूँ। नहीं रसाल, नहीं, ना तो वो बच्चा हमारा है और ना ये घर। अभी चलो। एक मिनट, कहाँ जाने की बात हो रही है? वो हम रसाल और मैं ये घर छोड़ के जा रहे हैं शिवा। दरवाजा बंद कर। ये क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी मैं, अपने हाथों अपने पोते की जान लेने जा रही थी मैं, इसीलिए अपना पाप धो रही हूँ। पर आपका पोता तो पैदा होती, वो जिंदा है। जो शिवा और कनक का बच्चा है वो असलियत में रसाल का बच्चा है। ले, ले, तूने भी बहुत बड़ा पाप किया है। पर अगर वो बच्चा रसाल और अर्जुन का है तो कनक का बच्चा? उसका बच्चा तो पैदा होते ही भगवान के पास चला।